हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छी होंगी। अल्लाह के रहम करम से मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। और आपने जो हज मुबारक पार्ट वन को इतना सपोर्ट, इतना प्यार दिया, सच में बहुत अच्छा लगा। और आज है हज मुबारक पार्ट टू, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमारी जर्नी में, यानी कि ट्रेन की जर्नी में जो जो हुआ है, मतलब कुछ अलग ही हो गया हमारे साथ ट्रेन में। तो आप देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर चले, लेकर चलते हैं आपको अपने साथ। ये मेरी दो बहनें जिनको जगह नहीं मिली है, आज हम भागते भागते चढ़े हैं भाई साहब। मेरा मुंह लगा चढ़ा, हाथ खींचा है मैंने, हाथ अच्छा। पहली बार ट्रेन चलती ट्रेन पे चढ़ी हूँ मैं, चलती ट्रेन पर हम तीनों चढ़ गए। हम कितने महान हैं ना। वैसे हम तीन प्राणियों को जगह नहीं मिली है, हम तीनों खड़े हुए हैं, पर इसका भी मज़ा कुछ और ही है। फाइनली हमें थोड़ी देर में जगह मिल जाती है और मेरे साथ ये आरिफा बैठ जाती है। हाय, कितना अच्छा लगता है ना जब सीट मिल जाती है। इसकी खुशी तो आप मेरे चेहरे पर देख ही सकते हैं। और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था और ये और इसकी हरकत को देखिए ज़रा। और ये उछल कूद करता प्राणी अपनी गर्दन रोक ही नहीं रहा है। देखिए इसकी कितनी खुशी है इसके चेहरे पर। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। और आज ये मैडम बनी थी सिमरन, क्योंकि ये भी भागते भागते ही ट्रेन पर चढ़ी थी, पर ये हमारे साथ नहीं थी, ये हमसे पीछे वाले डब्बे में थी। और जब स्टेशन पर गाड़ी रुकी है, तब ये मैडम आई है भागते भागते और बैठ गई हमारे पास। आरिफा रुक जा जरा, सब्र कर ले। और इसकी खुशी देखिए आप, बस इसके चेहरे को देखिए, क्योंकि इसे ना खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी ना हमारी, क्योंकि हम अच्छे से आराम से सीट पर बैठे थे। और ये मैडम देखिए कितनी आराम से, सुकून से हमारी सीट पर बैठी हुई है सच में। और ये रहा मेरा भाई, इतना लंबा कैसे हो गया जो इस फ्रेम में नहीं आ रहा है। ओ भाई, माना माना कि मेरा भाई खड़ा है, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी सीट तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिली थी हमें ये सीट। पर हाँ, मज़ा बहुत आया था हमें सफ़र में। तो फ्रेंड्स, दुपट्टा उड़ने के बाद कुछ शक्ल ऐसी लगती है, उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कैसी लगती है। कोई बात नहीं है, मना कर रही है तो नहीं दिखाऊंगी, मन कर गया तो दिखा भी सकती हूँ। हम पूरे रास्ते बस वही बातें करते हुए आ रहे थे कि हम भागती भागती कैसे चढ़े ट्रेन पे। हमें वो चीज़ कैप्चर करनी चाहिए थी, अगर हम कैप्चर करते तो शायद हम नहीं चढ़ पाते, लेकिन आपको वो चीज़ देखनी चाहिए थी कि हम कैसे चढ़े थे। और ये देखिए हमारे डिब्बे में कौन कौन बैठा है। मेरे भाई को सीट पता है कहाँ मिली है? बहेड़ी आकर, जो कि किछा से 20 मिनट का ही रास्ता रह जाता है सिर्फ। और ये सस्ता फोटोग्राफर फ़ोटो खींचते हुए। और मेरी आरिफा का मूड थोड़ा ख़राब है, क्योंकि उसको बार बार सीट से, एक सीट से दूसरी सीट पर भेजा जा रहा था। इसका मूड देखिए बहुत ही ख़राब हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल हम बहुत ही जल्दी आ गए। किछा चलो भाई आ जाओ सारे। कहाँ आ गए? हम आ गए वहाँ, हमारी मंजिल। क्या है मंजिल? किछा स्टेशन। ओह फाइनली आ गए भाई, किच्छी। सानो भाई ये चावल का आटा तेरा ही है क्या? और ये तेरे साथ ही है क्या? साथ में है ये? अरे भाई ये तेरा तो टिकट नहीं लगा होगा, तू तो छोटी है, अभी तो 7 साल की हुई है। अभी तो 7 साल की है। ऑटो 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 हाँ 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 चलिए चलिए।
अब हम बैठ चुके हैं ऑटो में और ये है किचा की मार्केट। इससे बस थोड़ी सी ही दूर बाजी का घर रह जाता है और सच में बहनों के साथ जो मज़ा है ना किसी के साथ नहीं आता है। हम सब लोग एक साथ थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। माना कि मैं यहाँ फंस गई थी क्योंकि हम एक सीट पे तीन तीन लोग बैठे थे। और ये आ गया हमारा घर। इससे पहले की हालत और चलने के बाद की हालत ये देखें, एकदम सही है ना। हम देखो तो चलो हम पहुँच गए, हाँ फाइनली आ गए हम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है घर पहुंचने के बाद। हमारा घर सामने ही है बिल्कुल, अभी दिखाते हैं हम आपको। हाँ तो फाइनली अब हम घर आ चुके हैं और नाश्ता पानी हमारा हो चुका है और इसके बाद भी हमें भूख लग रही थी तो हमारे लिए ये चाउमीन और पास्ता आया। और इसे देखिए, कसम से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, आप देख ही सकते हैं। और ये लेकर आई थी ये मेरी दो प्यारी प्यारी बहनें जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सामने जरा सी देर में चट कर गए। और यहाँ पर आदेश आ चुका था कि भोजन ग्रहण करने का वक्त हो गया है तो बस अब हम छत पे जा रहे थे। खुशी तो देखिए अब, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी थी और हम लोग छत पे जा रहे थे क्योंकि खाने का इंतज़ाम छत पर ही था। तो आइए चलते हैं खाना खाने के लिए। तो हम खाना खाने आ चुके हैं और हमने हाथ नहीं धोए थे इसलिए हम दोबारा गए, हाथ धोकर आए और फिर अपनी जगह पर बैठ गए। देखिए इन सब ने खाना पहले ही स्टार्ट कर दिया था। तो देखिए सोनी अपनी प्लेट दिखाती हुई, क्योंकि वो थोड़ी उदास हो जाती है जब उसे देर से मिलता है। इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, तंदूर और कोरमा खा लीजिए जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और रुक जा, सब्र कर ले बहुत तेज़ हो रही है। और यहाँ पर ये दोनों प्राणी बिरयानी के बड़े बड़े निमाले सटकते हुए बहुत ही जल्दी में हैं। ये हमारी बाजी हैं, ये हमारी फैमिली के मेंबर्स हैं सारे के सारे, और ये हमारी अप्पी जो अपनी माँ का फ़र्ज निभा रही है क्योंकि नैला को वो सुला रही थी, और ये हमारी खाला जान जो हज जा रही हैं वो। और यहाँ पर सच में सबके साथ खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। शानू अप्पी, अच्छा लग रहा है? खा लो प्लेट में, देख रहे हैं प्लेट देखो आप इनकी। तो कड़ी ले लो, बिरयानी ली है तो कड़ी ले लो। कड़ी भी खाई, कितनी खुशी, कितनी खुशी। खाना खाने के बाद हम लोग नीचे आ गए और नैला के साथ मस्ती करने लगे क्योंकि नैला से हम अच्छे से नहीं मिले थे। और ये हैं मेरी स्वीट सी दो बहनें, बहुत ही क्यूट हैं, इसको तो आप सब जानते ही हैं। और आरिफा देखो कैसे नैला के साथ खेल रही है सच में। और ये सना, और ये रही ब्यूटीफुल सी भाभी जान। और मिलवाते हैं हम आपको अपनी बाजी से। थोड़ा मुंह टेढ़ा वाला करो।
और ये रही मेरी बाजी, इनको चूड़ियों का इतना शौक है कि हद से बेहद, और उससे भी ज़्यादा इन्हें मेहंदी का शौक़ है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मुझे मेहंदी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी नैला के साथ मस्ती की। अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा क्योंकि कमेंट पढ़ते हुए अच्छा लगता है। और इसी तरह अपना सपोर्ट, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और कल होगा मेन प्रोग्राम, यानी कि कल ही खाना और मिलाद शरीफ जो होती है वो होगा, और कल ही खाला खालू की रवानगी हो जाएगी। तो फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसका आप वेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।